आज कुकिंग रिपीट पर आलू से एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप महीनों तक खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी। आपने बहुत तरीके की आलू की नमकीन खाई होंगी, आलू लच्छा, आलू भुजिया, लेकिन आज हम आलू से बनाएंगे नमक पारे, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के ये इस साइज में आलू लिए हैं और ये आलू पहले ही उबाल लिए हैं। उबालने के बाद इनको ठंडा कर लिया है। हमें ध्यान रखना है, जो हम आलू उबालें वो रेसिपी बनाने से पहले 1-2 घंटा पहले ही हम उबाल लें, उसके बाद ही हम उसका नाश्ता तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल ठंडे आलू चाहिए, बिल्कुल भी आलू गर्म नहीं होना चाहिए। तो इन आलूओं को मैंने छील लिया है और अब लिया है कद्दूकस। तो बारीक वाला कद्दूकस हमें इसके लिए लेना है और ये आलू हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को बहुत बारीक कद्दूकस करना है और इन्हें हमें हाथ से भी नहीं फोड़ना है, कि हाथ से फोड़ेंगे तो इसमें गांठें रह जाएंगी जिससे हम नाश्ता नहीं तैयार कर पाएंगे। तो आलू को हमें बिल्कुल बारीक बारीक, देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक लच्छा चाहिए इसका। तो मैंने यहाँ पर चारों आलूओं को अभी कद्दूकस कर लिया है और बिल्कुल ठंडे आलू हमें यूज करने हैं, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा। तो कटोरी भी से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। 1/2 कप सूजी, सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही डालेंगे हम 1/4 कप गेहूं का आटा। तो देखिए यहाँ पर सूजी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अब मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने 1/4 कप गेहूं का आटा लिया है तो आप 1/4 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं, ये एक्सचेंज आप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। लिया है नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक मिक्स कर लें और ये चीजें मिक्स कर लेंगे एक बारी। अब मैं यहां पर ले रही हूं व्हाइट तिल, तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 छोटे चम्मच यहां पर व्हाइट तिल यूज किया है। अब हम मोयन डालेंगे इसमें और मोयन के लिए मैंने 1/4 कप लिया है ऑयल। तो आप 3 बड़े चम्मच ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर जिस कटोरी कप से आप सामान नाप रहे हैं ना उसके हिसाब से 1/4 कप ले लें और ऑयल को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे फिर हम चेक करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है सारे मिक्सचर में, तो इसे देखिए हाथ में बाइंड करके हम इसे इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर ये इस तरह बाइंड होता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर फिर भी आपका बहुत ड्राई हो रहा है, बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो 1 चम्मच ऑयल और आप मिक्स कर सकते हैं। तो अब हमने जो आलू लिए थे कद्दूकस किए हुए आलू, हम इसमें मिक्स करेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा आलू इसमें मिक्स करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इस आटे को गूंथते हुए, बस आलू से ही हमें इस आटे को गूंथना है। और हमें ध्यान रखना है जब हम इसे गूंथ रहे हैं ना, तो हमें बहुत टाइट आटा तैयार करना है, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं, क्योंकि जब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा लूज हो सकता है, क्योंकि ये आलू से हम तैयार कर रहे हैं और इसीलिए हम आलू को थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं, तो आपके 4 से 5 भी लग सकते हैं, या फिर 3 आलू भी इसमें यूज हो सकते हैं, ये आलूओं पर डिपेंड करता है। कई बार आलू थोड़ा बड़े साइज में है या कुछ आलू बहुत सोगी होता है तो भी ये कम लगता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा आलू डालकर ही इसमें आटे को बिल्कुल टाइट तैयार करना है, क्योंकि आलू में हमने नमक मिक्स कर दिया है और जब हम इसे रखेंगे तो ये पतला हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम इसे टाइट रखें। तो देखिए आटे को बिल्कुल टाइटली मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और अब हम इसे स्मूथ करने के बाद 10 से 15 मिनट ढक के रख देंगे, ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा, सूजी भी फूल जाएगी। तो 15 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर ले, देखिए आटा पूरी तरह से अभी भी हमारा टाइट ही है, क्योंकि हमने बहुत टाइट इसको लगाया था।
तो अब बिल्कुल इसे देखिए कितना टाइट आटा है, बिल्कुल ऐसा ही हमें लगाना है, तभी हमारा नाश्ता थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। अब हमने इसे स्मूथ किया है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाएंगे इसमें। अब हम बिना ऑयल के ही देखिए आप इसे स्मूथ कर सकते हैं, चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से स्मूथ करने के बाद हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है और अब एक एक पार्ट का हम रोल बनाएंगे। और रोल हमें बहुत छोटा या पतला नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा रोल बनाना है क्योंकि हमें इसके लिए बड़ी बड़ी लोइयां चाहिए। तो इस तरह से हम उनकी लोइयां बना लेंगे जब हम इसमें से कट कर लेंगे। तो देखिए अच्छे बड़े साइज में मैंने काटी है, जैसे दो पराठे का एक बारी में। और अब हम इसकी शीट तैयार कर लेंगे। तो हम इसे जो बेल रहे हैं बहुत पतला नहीं बेलेंगे या बहुत मोटा भी इसको नहीं रखेंगे। तो बेलते हुए भी ना कोई ऑयल लगाया है ना ही सूखा आटा, बहुत आसानी से ये बेल जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना मोटा मैंने रखा है इसको बेलते हुए। तो इसी तरह से हमें इसको बेल लेना है, हल्का सा इसे चारों तरफ से बिल्कुल एकसार कर लेते हैं एक बारी। और अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो मैंने लंबाई में आधा आधा इंच की दूरी पर कट लगाए हैं। आप इसमें ना अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ लंबाई में नॉर्मली सिंपल नमक पारे बना रही हूँ। आप इसे डायमंड शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे शेप दे सकते हैं। तो बस जब हमने कट लगा लिया है तो इस तरह से हम चाकू की हेल्प से ये नमक पारे इस तरह से उतार कर प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी शीट तैयार करेंगे और सभी से पहले नमक पारे तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप किसी सफर में भी जा रहे हो ना तो भी आप इसे लेके जा सकते हैं। ऑयल मैंने मीडियम हीट पर गरम किया है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे फिर हम ये नमक पारे इसमें छोड़ देंगे। इस समय फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि बहुत चिपक रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें ऑयल में थोड़ी देर छोड़ेंगे ये खुद ही उसमें खुल जाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। एक एक नमक पारा आपको अलग मिलेगा। और जब इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है ना उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे, उससे पहले हम इसे टच भी नहीं करेंगे। गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम ही रखा है क्योंकि शुरू में हम मीडियम रखेंगे और बाद में हम स्लो कर देंगे। तो इस तरह से गैस का फ्लेम हमें मीडियम से स्लो पर ही इसको फ्राई करना है। तो देखिए हल्का सा इसमें कलर आने लगा है। एक बैच को सिकने में 10 से 12 मिनट लगते हैं और इस समय पर अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। तो देखिए हल्का सा जब कलर आ रहा है तब हम इसे लो कर देंगे ताकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अच्छे से गोल्डन कलर देखिए इसमें आ चुका है, देखने में ही लग रहा है ना ये बहुत ही क्रिस्पी। तो अब हम इन्हें एक जाली पर निकाल लेंगे। शाम की चाय हो या बरसात का मौसम हो या आप सफर में कभी भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी है, आप सुन पा रहे हैं ना कितने क्रिस्पी नमक पारे हमारे तैयार हुए हैं। और अब हम इस पे छोटा सा चाट मसाला छिड़क लेते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इस पे कोई भी मसाला डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी क्रिस्पी से नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।